हेलो ऑल फीमेल आर्मपिट लवर, वेलकम बैक टू पिट्स केयर। दोस्तों आज की वीडियो कुछ हटके होने वाली है। इस बार हमने किसी देसी आंटी आर्मपिट की जगह बॉलीवुड की टॉप 20 बॉलीवुड आंटी आर्मपिट को कवर किया है। तो गाइस वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर ले। और हर चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं और फीमेल आर्मपिट को देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल पिट्स केयर को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉप 20 बॉलीवुड आर्मपिट में नंबर 20 पर है काजोल। 90s के ज़माने में काजोल का भी बॉलीवुड पर राज चलता था। दोस्तों आप देख सकते हैं इनके आर्मपिट कितने खूबसूरत है। ये इनका अभी हाल फिलहाल का वीडियो है इंस्टाग्राम पर, ये दुर्गा पूजा घूमने गई थी। टॉप 20 बॉलीवुड आर्मपिट में नंबर 90 पर है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा की स्वीट आर्मपिट आई होप कि आप लोगों को फ्रेंड्स पसंद आएगा। ठीक है, टॉप 20 बॉलीवुड आर्मपिट में नंबर 90 पर है तब्बू के आर्मपिट। काफ़ी हॉट है, काफ़ी सेक्सी है, टॉप 20 बॉलीवुड आर्मपिट में नंबर रानी मुखर्जी है। कौन सा 16 टॉप 20 बॉलीवुड आर्मपिट में नंबर 60 पर है माधुरी दीक्षित। एक समय था जो माधुरी दीक्षित का अपना एक जलवा ही था, लेकिन अभी भी वो कुछ कम नहीं है। अभी भी दोस्तों देख सकते हैं उनके आर्मपिट कितने हॉट है, कितने सेक्सी है। फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको माधुरी की आर्मपिट अच्छी लगती है तो टॉप 20 बॉलीवुड एक्ट्रेस आर्मपिट की लिस्ट में 15वें नंबर पर आती है रवीना टंडन। एक समय था रवीना टंडन का जमाना था, हर कोई उसको पूछते थे। इनके आर्मपिट भी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए कहीं कहीं से इनका एक आर्मपिट का पिक्चर निकाला है, काफ़ी अच्छी है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। टॉप 20 बॉलीवुड एक्ट्रेस आर्मपिट में 14वें नंबर पर है करीना कपूर। करीना कपूर के आर्मपिट्स काफ़ी मिल्की वाइट स्वीट है। गाइस अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो कमेंट करके बता सकते हैं। आजकल तो करीना कपूर काफ़ी अजीब लग रही है, लेकिन एक समय था जब इनका भी चलवा था। गाइस आप लोग देख सकते हैं इनके आर्मपिट कितने वाइट है, कितनी सिल्की है। टॉप 20 आर्मपिट में 13वें नंबर पर है सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन का आर्मपिट काफ़ी हॉट है, आई होप कि गाइस आप लोगों को पसंद आएगा। मैं थोड़ा देर के लिए तुम्हें बंद नहीं कर सकती है। टॉप 20 बॉलीवुड एक्ट्रेस आर्मपिट के 12वें नंबर पर है करिश्मा कपूर। ये सब 90s हीरोइन है। एक समय में इन लोगों का काफ़ी डिमांड था, काफ़ी मार्केट था, लेकिन आजकल ये लोग मार्केट से पूरी तरह गायब हो गए हैं। फिर भी गाइस आप लोग इनके आर्मपिट को देख सकते हैं। 11वें नंबर पर प्रीति जिंटा है। प्रीति जिंटा इनके भी आर्मपिट काफ़ी खूबसूरत है, गाइस आप देख सकते हैं इनके आर्मपिट को। अगर आप लोगों को गाइस अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस चैनल पिट्स केयर को। टॉप 20 बॉलीवुड एक्ट्रेस में 10वें नंबर पर है शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी
हॉट सेक्सी है। टॉप 20 बॉलीवुड एक्ट्रेस आर्मपिट के 9वें नंबर पर है कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ के डार्क आर्मपिट, आई होप यू गाइस आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे ज़्यादा और क्या बोल सकते हैं आप लोगों को, इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा। क्या ड्रामा है तुम्हारा, टॉप 20 बॉलीवुड एक्ट्रेस आर्मपिट के 8वें नंबर पर उर्मिला मातोंडकर। शायद आप लोग जानते ही होंगे मूवी 90s की बड़ी जबरदस्त बॉलीवुड एक्ट्रेस आर्मपिट के 7वें नंबर पर आती है राखी सावंत। राखी सावंत भी काफी हॉट आर्मपिट है, इसलिए हमने इस लिस्ट में उन्हें भी शामिल किया है। आई होप यू गाइस आप लोगों को उनके आर्मपिट पसंद आएंगे। छठवें नंबर पर आ रहे हैं सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी सिन्हा की वाइड आर्मपिट काफी हॉट है, आप देख सकते हैं दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। टॉप 20 बॉलीवुड एक्ट्रेस बॉलीवुड एक्ट्रेस आर्मपिट के टॉप 20 फीमेल आर्मी काफी कभी कभी बॉलीवुड के भी आंटियों को भी वो इतनी खूबसूरत थी कि उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला चुना गया। वो इतनी मजबूत थी कि टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया की मजबूत टॉप महिलाओं में जगह दी, लेकिन उनके एक गलत कदम ने उनकी जिंदगी को तहस नहस कर दिया। 1999 में आई फिल्म हम दे चुके सनम में ऐश्वर्या का करियर तो बहुत ऊपर आया, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ की वाट लग गई। कारण एक ही था, सलमान खान। जब तक ऐश्वर्या राय सलमान खान के इशारों पे नाचती रही तब तक सही था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने आत्मसम्मान और अपने पिता के आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए तो उनके बुरे दिन शुरू हो गए।
उन्हें वीर ज़ारा जैसी फिल्मों से बाहर कर दिया गया, क्योंकि कोई भी एक्टर डायरेक्टर नहीं चाहता था कि सलमान खान से दुश्मनी मोल ले। और फिर बाद में ऐश्वर्या राय ने अभिषेक बच्चन से शादी कर ली।